मोह नहीं, प्रेम। एक महात्मा हिमालय में रहते थे। वे हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहते थे और दर्शनार्थियों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन पढ़े लिखे लोगों की एक टोली उनके पास पहुंची। उन्होंने कहा, महाराज, हम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, उसी में रहकर आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, कोई उपाय बताइए। स्वामी जी उनसे बोले, नहीं, दुनिया में रहकर आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दुनिया की मोह माया में लोग फंस कर रह जाते हैं और उनकी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है, तब आत्मा की साधना कैसे हो सकती है। फिर इधर उधर की बातें होती रही। पता चला कि स्वामी जी ने छोटी उम्र में ही घरबार छोड़कर संन्यास ले लिया था। देश के बहुत से तीर्थों में घूमे और अब अनेक वर्षों से वहां थे। इस बातचीत के बाद स्वामी जी ने पूछा, आप लोग यहाँ कब तक हैं? उस टोली के एक सदस्य के यह कहने पर कि 3-4 दिन रहेंगे, स्वामी जी बोले, गोमुख जाओगे? जाओ तो रास्ते में मेरा एक शिष्य रहता है, उसे अवश्य मिल लेना। वह बड़ा ही विद्वान है, बड़ा मेधावी है। अभी उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, पर उसने वेद पुराण, उपनिषद, महाभारत सब कुछ पढ़ डाला है। मुझे बड़ा सहारा था उसका, लेकिन पता नहीं एक दिन उसे क्या सूझा कि यहाँ से चला गया और अब बिल्कुल सुनसान बियाबान जगह में अकेला रहता है। जब तक मेरे शरीर में दम था, उसके लिए खाने पीने की चीजें पहुँचा देता था। भगवान जाने उसका काम कैसे चलता होगा। कहते कहते स्वामी जी इतने विह्वल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला रुंध गया। टोली में से एक नहीं है देखकर कहा, महाराज, अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे कि मोह को छोड़े बिना आदमी की उन्नति नहीं हो सकती, पर आप स्वयं मोहग्रस्त हो रहे हैं। स्वामी जी ने सर उठाया और बोले, अरे, मेरे ये आंसू मोह के नहीं हैं, प्रेम के हैं। देखो, मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। मोह फंसाता है, प्रेम उबारता है, पर तुम लोग इस अंतर को नहीं समझोगे। सचमुच उस अंतर को समझना आसान नहीं था, पर उससे भी मुश्किल उसे जीवन में उतारना था। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।